Hello YouTube family, once again a very warm welcome in our YouTube channel. Its name is Success Mantra by Deepak Rai. जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज हर रोज़ करवा रही हूँ, रेगुलर करवा रही हूँ. इसी सीरीज़ में आज भी हम आपके लिए लेखपाल बैच के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हैं. एंड आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में वो आपके कवर हो सके एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके. तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने हैं, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, यानी ऐसा इनमें से कौन सा सदन है जो कि जनता के द्वारा डायरेक्टली जो है इलेक्ट किया जाता है. ऑप्शंस दिए हुए हैं राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं. तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा होता है वो तो आपका क्या हो जाता है, द काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाता है, और जो जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है वो कौन सा होता है, लोकसभा होता है. यानी लोकसभा को तो हम कहते ही क्या हैं, द हाउस ऑफ पीपल. क्या कहते हैं, द हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. इसी वजह से लोकसभा जो है क्या हो जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन हो जाता है. और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को हम कहते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन. एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, या फिर राजनीतिक दलों का. आपको ये बताना है कि जो संसद के दोनों सदन में से एक सदन है लोकसभा, वह किसका प्रतिनिधित्व करता है. तो आपको याद रखना है कि भारतीय जनता का, यानी जो हमारे यहाँ की पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है. तो आप कहेंगे लोकसभा, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है. यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है. आर्टिकल 81, आर्टिकल 331, या फिर बोथ, या फिर इसमें से कोई भी नहीं. तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331 दोनों में ही लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है. यानी हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों, क्योंकि आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331 दोनों में ही हमें लोकसभा के गठन के बारे में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है. यानी मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो आपसे पूछा है. ऑप्शन दिया है 500, 510, 520 या फिर 525. तो आपको याद रखना है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई है. कितनी, 500 निश्चित की गई है. आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लाए हैं जो कि अनअकैडमी की तरफ से है. जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इस टाइम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर के द्वारा जो है जो भी एजुकेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं. एंड यहाँ पर अनअकैडमी के और भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अगर आप अनअकैडमी पे सारी चीज़ों को नई नई फैसिलिटी के साथ सीखने के लिए प्रिपेयर हैं और इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जहां पर जाके आप सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेटर एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है. जैसे कि जो भी अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, स्टडी मटेरियल आपका PDF में कन्वर्टेड मिलता है. साथ ही साथ आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है. एंड अगर आप इस प्लेटफॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर से जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर UP SSC, UP PSC और साथ ही साथ वीडियो के लिए बहुत सारे नए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा रेफरल कोड जो है सक्सेस मंत्रा ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें. इससे बेनिफिट एक चीज़ का होगा कि आपका 10% जो है वो आपका लेस हो जाएगा. एंड आपकी जो फ़ी है वो बहुत ही नाम मात्र की होती है, बट आपको जो एडवांटेजेस दिए जाते हैं वो बहुत ही बेटर तरीके से दिए जाते हैं. एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी आप अपने टाइम को वेस्ट ना करिए, जल्द से जल्द अपने जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और वो भी हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करके. एंड इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप वहाँ जा करके आप इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं.
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे कह रहा है 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। अभी तो हमने बात किया कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपने कहा 500। फिर अब हमारे सामने है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वो भी 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शंस दिए हुए हैं 530, 540, 542 या फिर 545। तो आपको याद रखना है कि 545 जो है वो अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 543, 545, 547 या फिर 552। आप याद रखिए कि इस टाइम पर 552 हो सकती है अधिकतम से अधिकतम की अगर बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, यानी कितने सीटों के लिए राज्य की जनता जो है वो निर्वाचन करती है। तो आप कहेंगे 530, कितने के लिए, 530 के लिए हमारी जो राज्य की जनता है वो सीधे इलेक्शन में अपने वोट का यूज़ करके इलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट आपसे कह रहा है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है, 13, 20, 22 या फिर 25, यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं आपके उसमें से कितने प्रतिनिधि जाते हैं। तो आप कहेंगे 13 मेंबर्स, कितने मेंबर्स जाते हैं, 13 मेंबर्स जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये IAS में SSC और RRB जैसे एग्जाम से पूछा जा चुका है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो इंडिया का प्रेसिडेंट, आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा में तो वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अब आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप कहेंगे कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति है वह 2 मेंबर्स को, कितने, 2 मेंबर्स को, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, उन्हें वह मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन आपसे कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, ऑप्शन दिया हुआ है 540, 545, 548 या फिर 552। तो आपको याद रहे कि जो प्रभावी संख्या होती है वो आप 545 पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे, 545 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। अभी तो आपने एक बात जानी कि लोकसभा में प्रेसिडेंट आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, अब आपसे उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा है। तो आपको याद रखना है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वह आर्टिकल 331 के अंतर्गत करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 331 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 331 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, आपको जो भी क्वेश्चंस उसमें मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपसे कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं, यानी राज्यों का जो बेस है सीटों को बांटने का, सीटों का कैटेगराइजेशन करने का, वह किस आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र फल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपसे कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्थानों का आवंटन है लोकसभा में वह किस जनगणना पर आधारित है, ये आपसे पूछा है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या फिर 1991 की जनगणना पर। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपसे कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित से किस ईस्वी या सन में किया गया था। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है, 1970, 1972, 1976 या फिर 1977। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 यानी 1972 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन हाल फिलहाल में बन रहा है, क्योंकि 2022 अभी चल रहा है और आने वाले कुछ ही साल तक ये रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये 2026 तक के लिए यथावत रहेगा। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं, यानी एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र होता है वह किस प्रकार का होता है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य जो है चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो मिनिमम पॉपुलेशन होती है जिससे कि एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सके, उसके लिए कितनी पॉपुलेशन की ज़रूरत है। तो आप कहेंगे 7.5 लाख। कितनी? 7.5 लाख की ज़रूरत होती है कम से कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए कितने लोग सीटें जो हैं लोकसभा में सुरक्षित की गई हैं। तो आपको याद रखना है 131 सीटें। कितनी सीटें? 131 सीटें SC ST के लिए लोकसभा में सुरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1952। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हमेशा आपको लर्न रहना चाहिए, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो सकता है? चांदनी चौक, मुंबई दक्षिण, कोलकाता उत्तर, या फिर लक्षद्वीप। तो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप इज़ द राइट आंसर। लक्षद्वीप जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करें वोटर्स के अकॉर्डिंग देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे मलकाजगिरी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने आपको छोटा एरिया कवर करवाया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। और अगर हम बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? मलकाजगिरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, यानी ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। छठा या सिक्स और 7th and 31st, या फिर 11th and 42। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा 7वां और 31वां यानी 7th आर्टिकल एंड 31st आर्टिकल जो है हमारा, ये क्या है? संवैधानिक संशोधन है जो कि राज्यों से चुने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है। तो कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 7 और आर्टिकल 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, नामांकन द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि हमारे लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, यानी वो डायरेक्टली जो है इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एंड क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 सदस्यों को नामित करता है वो किस वर्ग से आते हैं। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवा दिया है कि जो लोकसभा के दोनों सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन वर्ग से आते हैं। किस वर्ग से आते हैं? एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय वर्ग से आते हैं। और इससे जो आर्टिकल रिलेटेड है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 331। मैं आपको चीज़ों को बार बार लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप फैक्ट्स को भूलें नहीं और आप एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस को सही करके आएँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर या फिर 35 ईयर। तो आपको याद रखना है कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 25 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर अगर आपकी एज है तो आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह क्या करता है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उसी की होती हैं। और अगर आपसे सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से जो सीटें हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 80 है। कितनी संख्या है इसकी, 80 है। और अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार की कितनी संख्या है, बिहार की सीटों की संख्या लोकसभा में 40 है, ठीक है, 40 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इसमें राज्य दिए हुए हैं और लोकसभा में उनकी सीटें दिखाई गई हैं, आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो कि गलत है। क्या आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का लोकसभा में 25 सीटें हैं, असम की लोकसभा में 13 सीटें हैं, पंजाब में जो है 13 सीटें हैं लोकसभा की, या फिर पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें से सारे ऑप्शन तो सही हैं आपके, लेकिन जो असम है, असम में 13 सीटें नहीं है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि अगर असम में 13 सीटें नहीं हैं तो कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 13 में आप 1 प्लस कर दीजिए, यानी असम में कितनी सीटें हैं आपकी, 14 सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। अभी हमने बात किया था कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, तो आंसर है उसका उत्तर प्रदेश। अब आपको साथ ही साथ याद रखना है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यानी सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। आई होप कि ये 30 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड साथ में न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चली जाएँ। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जिन चैनल की नोटिफिकेशन नहीं आती है या फिर साथ ही साथ जो भी अपडेट रहती है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।